हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवेन होगा, उसका हम अप्रोक्सीमेशन कर सकेंगे सॉल्यूशन का यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। ओके, क्या है ये मेथड? देखिए, एक सिंपल सा स्टेप है इसमें। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अंडर गिवेन बाउंड्री कंडीशन वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। तो इसका आप लोगों को मतलब पता है कि अगर एक्स क्या है, एक्स नॉट है, तो वाई का वैल्यू क्या है, वाई नॉट है, ठीक है। ओके, आइए देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, करस्पॉन्डिंग लिमिट एक्स और वाई के लिए, ठीक है। तो इनिशियल तो आपका एक्स नॉट होगा, तो ये इंटीग्रेट होगा आपका एक्स नॉट से एक्स तक, और इधर आपका इंटीग्रेट होगा वाई नॉट से लेके वाई तक, ठीक है। डीवाई का इंटीग्रेशन वाई आएगा, अंडर लिमिट इसकी वैल्यू होगी वाई माइनस वाई नॉट, इधर आपका यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इनिशियल लिमिट हम लोगों का एक्स नॉट है, एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। ओके, तो देखिए यहां से वाई मेरा बच जाएगा, वाई नॉट मेरा इस तरफ चला आया, तो ये इक्वेशन मेरा आ गया, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो मेरा यहाँ पे इक्वेशन आया है, ओके, ये वाला, ठीक है। ये जो मेरा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, वी सेड दिस इक्वेशन एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन। जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन वन गिवेन था, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये कहलाएगा। कब? व्हेन, जब हम लोग y को क्या लेंगे, y नॉट, ठीक है। जो एफ एक्स वाई है उसको हम लोग ले लेंगे एफ एक्स वाई नॉट, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। व्हेन व्हेन एफ एक्स वाई इज टेकन एज एफ एक्स वाई नॉट, ठीक है। एफ एक्स क्या लेंगे हम लोग, वाई नॉट लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स वाई नॉट, यानी ये जो वाई है, इस वाई के प्लेस पे वाई नॉट लेंगे, तो हम लोगों का ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए, तो हम लोगों का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोल्यूशन, इसको हम लोग डिनोट करेंगे वाई के ऊपर वन लगा देंगे, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे, कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं, वाई वन भी सिंपली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाई नॉट हो जाएगा, एक्स नॉट टू एक्स, और वाई के प्लेस पे हम लोग क्या लेंगे, एफ एक्स वाई नॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ये आपका अप्रोक्सीमेशन में बदलता चला जाएगा। जब आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लेंगे इसी तरीके से, तो इसको हम लोग वाई टू कॉल करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई वन आ जाएगा, यानी ये जो आपको वैल्यू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में मिला था, वो आपको फिर यहाँ पे लेना है। फिर जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो जो आपको वाई टू मिला है, उस वाई टू को आपको यहाँ पे वाई के प्लस पे लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का अप्रोक्सीमेशन इसमें होता चला जाएगा, और जितना आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे, उतना आप एक्चुअल इंटीग्रल के, एक्चुअल सॉल्यूशन के करीब होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है मेरा, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, बस वाई को चेंज करते जाना है, इस वाई को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में वाई नॉट, सेकेंड में वाई वन, थर्ड में वाई टू, इस तरीके से लेते जाएंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग क्वेश्चन को पिकार्ड्स के हेल्प से हम लोग
डील करेंगे, ठीक है? ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ओके, देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन है, यूजिंग पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेट वाई वेन एक्स इक्वल टू 0.2, ठीक है, अप टू फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, पांच अप्रोक्सीमेशन करने के लिए बोला है, गिवेन है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, तो सिंपली आपका जो y नॉट है वो क्या हो गया 1, है ना, यानी x के 0 होने पे y का वैल्यू 1 है, तो मेरे को इसको सोल्व करना है, ठीक है? कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए, सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे जो फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, वो हियर यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स वाई वो क्या है, वो है एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये वाला डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई में ये दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए एंड, और जो वाई नॉट है वो क्या है, वो है हमारा वन, ठीक है, देयरफॉर बाय पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये क्या होगा, इसको हम लोग वाई वन लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है वाई नॉट प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा एक्स नॉट, तो एक्स नॉट मेरा क्या है, देखिए एक्स नॉट है मेरा जीरो, इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है वो क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, एक्स नॉट से एक्स यानी जीरो से एक्स, ठीक है, एफ एक्स एट वाई नॉट डी एक्स, ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई नॉट प्लस जीरो टू एक्स, अब देखिए एक्स वाई नॉट क्या हो जाएगा, तो वाई नॉट है हमारा वन, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे एफ एक्स वन डी एक्स, ठीक है, अब ये फिर क्या वैल्यू देगा आपको, ये देगा आपको वाई नॉट प्लस जीरो टू एक्स, ओके, एक्स वन क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई देखिए एक्स माइनस वाई है, तो एक्स वन क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा वो आप कर लीजिएगा, वाई नॉट का वैल्यू क्या है वन है, तो हमको वैल्यू आ जाएगा वन, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सेकेंड करेंगे, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, ये क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे y2 इज इक्वल टू y नॉट, लिमिट वही रहेगा 0 टू x, अब y नॉट के प्लस पे क्या आ जाएगा y1, ठीक है, dx, ओके, यहां से क्या आएगा बोलिए, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू आ जाएगा, y नॉट हमारा 1 है, डैट ही से पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, सो 1 प्लस 0 टू x, ठीक है, x y1, एक्स वाई वन देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा एक्स माइनस वाई वन, ठीक है, जो एफ एक्स वाई वहां पे पुट अप कर दीजिए इज इक्वल टू वन प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस, अब जो वाई वन का वैल्यू आया है उसको यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करना आपका काम है, आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स, ठीक है, तो हम लोगों का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, इसी तरीके से हम लोग इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं बस लिख देता हूँ, आप कर लेना थर्ड अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वाई थ्री वाई नॉट वन है प्लस वन प्लस जीरो टू एक्स, ठीक है, एक्स माइनस क्या हो जाएगा डायरेक्ट अब वाई टू हो जाएगा,
क्योंकि हम लोग वाई के प्लेस पे क्या लेंगे, यहाँ पे वाई वन लिए थे वहां पे हम लोग वाई टू लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस जीरो टू एक्स, एक्स माइनस वाई टू का वैल्यू पूरा ये है डाल दीजिएगा, तो माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स डी एक्स, इसका फिर इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई ट्वेंटी फोर, ठीक है। इसी तरीके से आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा वाई फोर इज इक्वल टू वन प्लस जीरो टू एक्स, ठीक है, एक्स माइनस वाई थ्री। तो इसको आप डालिएगा, वाई थ्री का पूरा वैल्यू ये है, फिर आप सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई ट्वेल्व माइनस एक्स फाइव बाई वन ट्वेंटी, ठीक है, ओके। इसके बाद हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या आएगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वाई फाइव, ये फिर से वही होगा, वन प्लस जीरो टू एक्स, एक्स माइनस वाई थ्री लेंगे, वाई थ्री ले लिया, वाई फोर लेंगे, ठीक है, वाई फोर डी एक्स, ओके। ये जो वाई फोर है ये ऊपर में वैल्यू आ चुका है पूरा, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, इंटीग्रेट करके लिमिट डालेंगे, ये आपको आता है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई ट्वेल्व माइनस एक्स फाइव बाई सिक्सटी प्लस एक्स सिक्सटी बाई सेवन ट्वेंटी, ठीक है, ये पूरा आपको आ गया। तो अब जो मेरे को फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक ही करना था, यहाँ तक हो गया, तो अब जो हमको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, वो आपको कहाँ पे करना है, जब मेरा x क्या होगा, 0.2 होगा, x अगर 0.2 होगा, इसको अगर हम डाल दें और कैलकुलेटर से सोल्व करें तो मेरा वाई वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.82, ठीक है, वाई टू का वैल्यू क्या आएगा, 0.83867, ठीक है, आप डाल के देख सकते हो, कैलकुलेट करना आपको कैलकुलेटर का हेल्प से, वाई थ्री आपका आ जाएगा 0.83740, वाई फोर आपका आ जाएगा 0.83746, वाई फाइव आपका आ जाएगा 0.83746, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 0.837 है, ठीक है, ये अब आपका क्या है, कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है ना, अब ये चेंज नहीं कर रहा, यानी आप बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है वो क्या है, वो डेफिनेटली है आपका 0.837, ठीक है, तब जब मेरा x क्या है, 0.2 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन इसका लिख देते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया। एग्जाम में देखिए अक्सर सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक ही डिमांड करता है, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक आइए ज़रूरी नहीं है, लेकिन बट अगर कभी आ गया तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया, आइए एक हम लोग इसके बाद और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल टू है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बाउंड्री कंडीशन है इनिशियल वाला, और आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक करना है, और फाइनली आपको वाई 0.1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए कैसे कर पाएंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, वो है लेट दिस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा मेरा वो क्या होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, ये क्या होगा, इसको हम लिखेंगे वाई वन, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है वाई नॉट, फिर से देखिए लोअर लिमिट हमारा जीरो है,
ये हो जाएगा हमारा जीरो से एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स वाई नॉट डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा देयर फोर वाई वन क्या आ जाएगा बताइए, वाई नॉट भी हमारा देखिए वन है, जीरो ही है, तो ये जीरो होगा सिंपली प्लस जीरो से एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स वाई नॉट हम यहाँ पे अगर पुट अप कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स, ओके, ये आपका आ जाता है जीरो से एक्स, वाई नॉट क्या है, जीरो है, सो ओनली एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू हम लोग को क्या मिलने वाला है, ये हम लोगों को मिल जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, फंक्शन हम लोग को एक्स प्लस वाई का स्क्वायर दिया है ना, होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देना होगा, ठीक है, या ब्रैकेट देना होगा तो इस तरीके से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई नॉट का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब वाई नॉट मेरा जीरो है तो सिर्फ मेरा एक्स बचा, तो मेरे को क्या मिलेगा एक्स डी एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम लोग तो इसी तरीके से वाई टू क्या मिल जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं पे प्लेस करेंगे जीरो टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई वन, इसका स्क्वायर लेना है मेरे को, ठीक है, इसका डी एक्स, ओके, वाई नॉट के प्लस पे वाई वन लेंगे, वाई वन का वैल्यू क्या आया है, एक्स स्क्वायर बाई टू आया है, ये सिंपली हो जाएगा जीरो से एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लेंगे डी एक्स, डी एक्स फोर बाई फोर हो गया। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन मेरे को आ जाएगा, ठीक है, एक्स है पहले तो एक्स का तो एक्स स्क्वायर बाई टू ही होगा, ओके, और ये है मेरा एक्स फोर बाई फोर, तो इसका हो जाएगा आपका एक्स फाइव बाई ट्वेंटी, ठीक है। ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मेरे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और एक्स फाइव बाई ट्वेंटी, ठीक है, ये वाई टू हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हालांकि टू तक ही दिया था ना, लेकिन मैं तीन तक चलिए कर दे रहा हूँ, तो जब आप थ्री करेंगे तो क्या होगा, जीरो टू एक्स होगा, ठीक है, ये एक्स रहेगा प्लस, फिर यहाँ पे मेरे को वाई टू का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, जो वैल्यू आया है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स फाइव बाई ट्वेंटी, इसका आप ले लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका आप कर देंगे इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये आपका क्या है एक्स फोर बाई फोर है, ठीक है, तो एक्स फोर बाई फोर का करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स फाइव बाई ट्वेंटी प्लस इसका आपका बनेगा एक्स टेन बाई फोर्टी, तो ये आपका हो जाएगा एक्स एलेवन बाई ट्वेंट, ये फोर हंड्रेड और इंटू एलेवन आप कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस टू इंटू, ओके, एक्स टू द पावर सेवन, एक्स टू द पावर सेवन का हो जाएगा एक्स टू द पावर एट, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में है आपका फोर्टी, तो फोर्टी इंटू एट, तो ये कुछ आपका आएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से। बट आपको चूंकि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तक कहा था तो आप यहीं तक रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको वाई जीरो पॉइंट वन जो है निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन, तो हम एक को जीरो पॉइंट वन लेंगे, देन क्या आ जाएगा, ठीक है, तो वाई वन का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, इसी तरीके से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर बाई टू प्लस 0.1 का पावर 5 बाई 20, ओके, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक। तो काफी सिंपल है फॉर्मूला, ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए पिकार्ड्स का ये अप्रोक्सीमेशन हम लोगों का क्लोज हुआ, तो आप इसको एग्जाम में सक्सेसफुली अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग का पेपर भी कम्प्लीट हो गया, तो आप बस पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है, आपका ये पेपर बिल्कुल आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।